हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कॉटलिन की है। जी हाँ दोस्तों, आज कॉटलिन का पहला प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसका आपको शायद बेसब्री से इंतजार होगा। तो अभी कॉटलिन के बारे में मैं पहले आपको एक इंट्रोड्यूसर वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉटलिन को जो बनाने वाले थे उनका नाम था जेट ब्रांस, और कॉटलिन जो है टेक्स्ट एडिटर के लिए बनाई जाने वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और अभी काफी पॉपुलर है। तो यहाँ पर इंटेलिजे आइडिया को मैं कर लेता हूँ ओपन अपने, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटेलिजे आइडिया ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, जैसे ही ये ओपन होगी तो यहाँ पर हमें फाइल पे जाना है, ठीक है, और यहाँ से न्यू पे जाना है और यहाँ प्रोजेक्ट पे आ जाना है। क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पर, और जैसे ही प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दो चीजें दिखाई पड़ेंगी, एक ग्रूवी एक कॉटलिन। तो ये कॉटलिन पे टिक कर दीजिए और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ नाम देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, फन कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और अब फिनिश कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर फन वन के नाम से ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली इसी पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सोर्स फाइल दिखेगी, यहां पर आप कर दीजिए राइट क्लिक। आपको राइट क्लिक करके क्या करना है, कॉटलिन क्लास फाइल है, ठीक है, और यह दिया हुआ है तो कॉटलिन की क्लास फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइल बना रहे हैं तो यहां पर आप फाइल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, इसे नाम दे दीजिए और तब फाइल पे क्लिक कीजिए। तो यहां पे लिख देता हूं मैं फन वन था तो फन वन कर देता हूं, और यहां पे फाइल पे क्लिक कर दिया हमने। तो जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब हम यहाँ पर कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर फन लिखता हूं और यहां पर मेन फंक्शन बना लेता हूं। आप जानते ही हैं मेन फंक्शन के बिना हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम चलेगा नहीं, तो यहां पे मेन फंक्शन तो बनाना जरूरी है। पर आपको तो पता ही है कि प्रिंट का तो यूज करना ही पड़ता है प्रिंट करवाने के लिए। तो यहां पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद इसी को किसको प्रिंट करवाना चाहते, क्या प्रिंट होके आना चाहिए, तो मैं अपना नाम ही प्रिंट करवा देता हूं। तो ये लिख दिया मैंने सूरज सर, और इसके बाद अब क्या करना है, यहां पर प्ले टाइप का आपको बटन दिखेगा, ठीक है, एक्चुअली ये रन का बटन है, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, और अब आप इसको रन करवा दीजिए। रन करवाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और F10 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, नो डाउट। तो अभी इसको रन करवाना है तो यहां पर क्लिक करके इसे करवा देता हूं मैं रन। तो आप देख पाएंगे जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो आप देख पाएंगे कि यहां पर सूरज सर प्रिंट होकर आ चुका है। इसी तरह से अगर कुछ और प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, ये मैंने लिखा द शाइन इन इंस्टीट्यूट, तो ये मैंने लिख दिया, और अब देखिए यही प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर रन पे क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक करता हूं तो यही चीज प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये देखिए यहां पर प्रिंट होकर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, बहुत ही स्टार्टिंग, बहुत ही शुरुआती दौर की वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।